दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में होला मोहल्ला उत्सव आ रहा है। ये मेला प्रदेश के सबसे पुराने मेलों में शुमार है, जिसका इतिहास लगभग 350 साल पुराना है, परंतु आज भी इस मेले को जिला स्तरीय दर्जा प्राप्त है, जबकि इसके बाद शुरू हुए उत्सव को राज्य स्तरीय कर दिया गया है। मेले को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठ अपने इतिहास को पहचानने का है। इस बारे में वर्ष 2021 में पूरी फाइल बनाकर एसडीएम पांवटा साहिब के माध्यम से भाषा कला एवं संस्कृति विभाग को अनुशंसा के साथ भेजी गई है, जिस पर सरकार को फैसला लेना है। इस बारे में एक बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी गई, जिसमें कहा गया कि 28 मार्च को मुख्यमंत्री मेले को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करें। आज इस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे पांवटा साहिब के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय श्रद्धालु, संगत, सभी का स्वागत है। और आज की इस बैठक में हमारे प्रेस और मीडिया के सभी जो बंधु शामिल हुए हैं, आप सबका भी हुआ है, और जिसके कारण आज पांवटा साहिब का जो ये शहर है, क्षेत्र है, वो शुभायमान है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 338 साल पहले होले महल्ले की जो परंपरा शुरू की गई, और पूरी भारतवर्ष में तीन जगह आधिकारिक तौर से जो सिख संगत है वो होला महल्ला मनाती है, पांवटा साहब, श्री आनंदपुर साहब और श्री हजूर साहब नांदेड़। लेकिन लंबे समय से इस मेले का जो स्तर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। लाखों श्रद्धालु उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय हर गांव का हर व्यक्ति इस मेले में अलग अलग दिन शामिल होता है। इस दिन जो कवि दरबार सजते हैं, दीवान सजते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो दंगल होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके माध्यम से पांवटा साहिब में ये परंपरा को 338 साल से लगातार निभाया जा रहा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें सुविधाओं की कमी है, तो सभी की ये मांग थी एक लंबे समय से, और कि इसको राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला किया जाए। तो हमने 2019 में इसके बारे में एक फाइल और कागज तैयार करने प्रशासन के अनुरोध पर शुरू किए थे। माननीय मंत्री जी ने भी हमको उस समय आश्वासन दिया था विधायक के तौर पे। वो फाइल भाषा कला और संस्कृति विभाग को 4 मार्च 2021 को भेज दी गई एसडीएम साहब की अनुशंसा के साथ। अब 28 तारीख को जयराम ठाकुर जी का यहाँ दौरा है, और आज की बैठक में हमने चौधरी सुखराम जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी निमंत्रण भेजा था, हालांकि वो किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ शामिल थे, आपके सामने भी बात हुई है, और उन्होंने आज हमको सरदार बलजीत सिंह नागराज जी, सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष के माध्यम से ये सूचित किया है, और ये एडवांस हमको एक हर्ष की सूचना पहुँचाई है कि वो 28 तारीख को ये जो पूरे पांवटा साहिब की संगत की मांग है, इसको जयराम ठाकुर जी के मुख वचन से पूरा करवाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं एडवांस प्रशासन का, माननीय मंत्री जी का, ये मांग पूरी होनी चाहिए, और ये सबके हितों से जुड़ा मसला है, पांवटा साहब के इतिहास से जुड़ा मसला है, और पांवटा साहब के भविष्य के विकास, पांवटा साहब के भविष्य के पर्यटन से जुड़ा हुआ मसला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, ये पूरा होना चाहिए। ये प्रक्रिया का सही तरीके से पालन होना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि इस मेले से अर्जित जो आय है उसको एक तरह का धार्मिक चंदा और राशि माना जाए, और उसी तरह से उसको खर्चा जाए, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाए, और वो पैसा जो है वो संगत, श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचते हैं उनकी सुविधा पे खर्च होना चाहिए। अब इसके बारे में अपने अंतर मन में नगर परिषद को खुद भी झांकना चाहिए। जाने के लिए यही एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हमने लास्ट मेला आयोजन की मीटिंग एसडीएम कार्यालय में हुई थी उसमें रखा था, कि इससे जो पैसा नगर परिषद को आता है उसका पानी की व्यवस्था के लिए, पार्किंग की व्यवस्था के लिए, श्रद्धालुओं के नहाने धोने की व्यवस्था के लिए उसको खर्चा जाना चाहिए, जो अभी तक खर्च नहीं होता है, बहुत दुख की बात है। और अगर पार्किंग दूर दूर कहीं लेते हैं, बच्चों की तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं खराब होनी चाहिए, तो हरिपुर टोहाना में बहुत बड़ा ग्राउंड है, दूर करें लेकिन वहां पर बसों की व्यवस्था करें, ताकि श्रद्धालु वहां अपनी गाड़ियां खड़ी करके उन बसों के माध्यम से गुरुद्वारा साहब तक आ जा सके। जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जो है हमारे सामने उठाया है, और ये दिन रात इसी फिक्र में रहते हैं कि जो काम शुरू किया है वो पूरा होना चाहिए। वैसे तो नापी जी ने सब कुछ आपको बताया है, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि होला मोहल्ला का बेसिक
क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, क्यों हम क्यों चाहते हैं कि राजकीय स्तर पर इसको मनाया जाए। इसलिए चाहते हैं कि गुरु जी ने ये महसूस किया कि भारतवासी जो हैं इस वक्त कमज़ोर हो चुके हैं, जात पात में बढ़ चुके हैं और अमीर जो है गरीबों को हथा रहा है, उनको परेशान कर रहा है, देश की हालत बड़ी माड़ी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है कि मानसिक तौर पर हम जरूर भजन बंदगी करते हैं, पर शारीरिक तौर पर हम कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि उस वक्त भी नशों का बहुत बोलबाला था। तो गुरुजी ने यह महसूस किया कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जिसमें आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी जो है तो शक्तिशाली बने इंसान, ताकि काबुल कंधार गजनी से हमारी कमज़ोरी को देखते हुए, हिंदुस्तान की कमज़ोरी को देखते हुए वो आकर हमला करते थे और सारा धन दौलत लूट कर ले जाते थे, अपने भाइयों बहनों की इज्जत भी जो है उस वक्त खराब हो जाती थी। तो गुरु जी ने ये महसूस किया कि जब तक शारीरिक तौर पर आप तंदुरुस्त नहीं होंगे, आपके देश की हालत इस तरह चलती रहेगी और बाहर से लोग आकर आपको लूट कर ले जाते रहेंगे। तब उन्होंने एक संदेश दिया होला मोहल्ला के रूप में कि आओ सारे रल मिलकर एक ऐसा रंग लगाएं अपने आप में जो कभी उतर ना सके। ये जो रंग उन्होंने देशवासियों को समझाया, ये जो रंग आप लगाते हो ये बड़ा नुकसानदेह है, इसमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं। गुरु जी ने ये बात समझाई थी उस वक्त, और ये लगाने से आपको एलर्जी हो जाती है और ये उतर जाता है जब आप घर जा के नहाओगे, ये उतर जाएगा। तब उन्होंने गुरबाणी में ये फरमाया है कि लाल रंग किसको लगा जिसके बट भागा, मैला कदे ना होवे ना लागे धागा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।